खंडवा में पहले 2 घंटे में ही 10% मतदान हुआ। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मतदान को लेकर युवा बुजुर्ग और महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। खंडवा शहर के लगभग 2.25 लाख मतदाता आज अपने शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। शांति शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए शहर में 600 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। निर्वाचन आयोग ने 195 मतदान केंद्र बनाए हैं। सुबह 7 मतदान शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। शहर के 50 वार्ड पार्षदों और महापौर के लिए आज मतदान होगा। नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए 5 और 50 वार्डों में पार्षद पद के लिए 239 उम्मीदवार मैदान में है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग सब कोई भी कार्य करने से पहले गणपति जी को प्रणाम करते हैं, तो आज गणपति जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और स्वाभाविक सी बात है कि आज मतदान का दिन है तो विजयश्री का आशीर्वाद लेने हैं। जनता से क्या अपील करती हैं आप आज के दिन? जनता से मैं यही अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, जिससे एक अच्छी परिषद का निर्माण हो सके। अब तक कैसा माहौल लग रहा है आपको शहर में? मैंने सारे वार्डों में घूम के देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और सभी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। ए भैयो इधर आ जा। अभी तक आप वोट डालते आई हैं, दूसरे लोगों को चुना है, आज आपने खुद के लिए वोट किया है, कांग्रेस के लिए वोट किया है, कैसा महसूस कर रही है और क्या लग रहा है आपको अपनी जीत के प्रति, क्या सोचती है? इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने एक खंडवा के सुधार और खंडवा की जनता के लिए वोट दिया है और मैं चाहूँगी अवश्य ही मैं जीतूँगी। वैसे तो खंडवा का सुधार करूँ, जैसे 4 बार से महापौर बीजेपी के रहे हैं, फिर भी उनका कार्यकाल में पानी की समस्या बरकरार वही समय से रही है। आज 15-16 साल से जल योजना आ गई है लेकिन कोई सुधार नहीं है, तो मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैं जीतूँगी और खंडवा की जनता के लिए सुधार का कार्य करूँगी।